नमस्ते भाई, तो कैसे आप लोग स्वागत है आज के नए कैसे आप लोग इस टाइप के फोटो को इस टाइप के एडिटिंग कर सकते हो पिक्सआर्ट ऐप से और बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही क्रिएटिव फोटो एडिटिंग हम लोग करके दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो फोटो को एडिट करेंगे वो सबसे पहले जो नॉर्मल फोटो को हम लोग विक्टर आर्ट बनाएंगे जो लेफ्ट साइड पर हम देख सकते हो, उसके बाद हम लोग उस फोटो को जो है मैं पिक्सआर्ट ऐप में ओपन करके उस फोटो को एडिटिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग विक्टर आर्ट बनाने के लिए रिमेनी नाम की इस एप्लीकेशन को जो अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, इसको डाउनलोड करेंगे, इसको ओपन कर लेना है। तो इसका जो फ्री वर्जन मैं यूज़ करता हूँ, हर दिन मैं फ्री वर्जन में 10 ही फोटो को एडिट कर सकता हूँ। तो सिंपल इसको ओपन करेंगे, इसका इंटरफेस ऐसा देखने को मिलेगा। उसके बाद आप सबसे नीचे देख सकते हो पेंट वाले एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको यहाँ पे जितने भी आपके मोबाइल में फोल्डर होंगे सभी फोल्डर आपको शो करेंगे। जिस फोल्डर में भी आपका फोटो है उस फोटो को आपको ओपन कर लेना है सिंपली। तो उस फोटो को यहाँ पे ओपन करने के बाद इस टाइप का इंटरफेस आएगा, देख सकते हो हमारा फोटो कैसा है। ठीक है, तो नॉर्मल सा एक फोटो है, उसको हम लोग राइट क्लिक कर देंगे। करने के बाद क्रिएटिंग ए टास्क लिखा हुआ है, तो इस ऐप का आप क्योंकि फ्री वर्जन यूज़ करते हैं इसलिए आपके यहाँ पे ऐड शो कर सकता है 10 सेकंड, यहाँ पे 15 सेकंड, यहाँ पर 30 सेकंड का। ठीक है, तो कभी कभी एक टाइम यहाँ पे ऐड शो नहीं करता तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। तो देख सकते हो ऐड शो करने के बाद आपको जो जस्ट कुछ ही सेकेंड में आपका जो फोटो है वो विक्टर आर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पे विक्टर आर्ट जो है ना, आपको देख सकते हो फोटो को मैं बिफोर आफ्टर देखा जाता हूँ जूम करके। यहाँ पे आप लोग जो विक्टर आर्ट बनाने में 1 से 2 घंटा 3 घंटा या फिर एक दिन टाइम लग जाता है प्रोफेशनल विक्टर आर्ट बनाने में, वही प्रोफेशनल विक्टर आर्ट बस आप लोग यहाँ पे एक क्लिक में आप लोग बस 10 से 15 सेकंड में कर सकते हो। इस फोटो को आप लोग ऊपर क्लिक करके सेव कर सकते हो इस फोटो को। तो इस फोटो को सेव करने के बाद सिंपली फिर से आपको इसी फोटो को जो है पेंट वाला ऑप्शन में जाकर फिर से इसी फोटो को आप लोग ओपन करके फिर से एक बार जो है क्रिएटिंग एड डास्क कर देना है, फिर से एक बार विक्टर बनाना है। इसलिए डबल लेयर विक्टर एड बना लेना है। क्यों डबल लेयर विक्टर बना रहा हूँ मैं, इसलिए कि आपका जो फोटो है वो इतना फिर से जो है अच्छा बनेगा उससे। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा से विक्टर एड बनकर तैयार होगा तो फोटो हमारा बहुत ही अच्छा होगा। इसमें जितने लेयर आप लोग चाहे ऐड कर सकते हो, बट मैं प्रीफर करूँगा आप लोग 2 ही लेयर ऐड करेंगे तो आपका जो फोटो है रियल विक्टर एड देखने को लगेगा। देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है हमारा फोटो विक्टर एड बनकर तैयार हो जाएगा। इस पर ऊपर जो सेव बटन दिख रहा है इसमें सेव करके हमारा फोटो को गैलरी में सेव कर देना। ठीक है, तो इतना जो काम आपको यहाँ पे कर लेना है इस ऐप में। तो देख सकते हो मैं फोटो को पूरा फेस को दिखा रहा हूँ कैसे बिफोर आफ्टर कितना बढ़िया हमारा विक्टर एड तैयार हो चुका। तो इसको हम लोग रिमूव करने के बाद पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कर लेना है, बस फोटो को ओपन कर लेना है जो भी फोटो हम लोगों ने एडिट किया अभी विक्टर एड बनाया फोटो को। तो उस फोटो को भी आपको ओपन कर लेना है। तो देख सकते हमारा फोटो कितना बढ़िया फोटो है। तो इसको ओपन करने के बाद आप लोग देखो यहाँ पे साइड पे एक ऑप्शन दिख रहा है ब्रश वाला, ब्रश वाला ऑप्शन में जाने का 4th नंबर ब्रश को आप लोग क्लिक कर देना है। करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आपका नेटवर्क ऑन करके रखिएगा, इस दोनों ऐप को यूज़ करने के लिए आपको इंटरनेट को ऑन करके रखना जरूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना सारा आप लोगों को जो है यहाँ पे बहुत सारा आप लोगों का PNG या फिर बहुत सारे कुछ क्या बताऊँ इसका नाम मुझे नहीं पता देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे लोग फोटो में क्लिक करेंगे वहाँ पे आपका जो ऐसा बैलून और बाकी जो भी आप लोग चीज़ ऐड करना चाहो वो ऐड होकर आ जाएगा। तो मैं पहली बार बैलून का ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ थोड़ा ब्लर इफेक्ट थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे ब्लर लाइट इफेक्ट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो देख सकते हो कितना आसानी से इस टाइप का फोटो यहाँ पे ऐड हो रहा है, कोई भी PNG डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है। जो भी चाहिए आप लोग यहाँ पे बस इंटरनेट काउंट करके आप लोग यहाँ पे ऐड करेंगे हाथों से। ठीक है, जहाँ जब आपको चाहिए। तो मैं साइट पे ऐड कर रहा हूँ, देख सकते हो कितना बढ़िया हमारा फोटो जो है बन के आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे हैं जो भी चाहो आप यूज़ कर सकते हो इसमें से, तो बहुत सारा है यहाँ पे आप लोग जो भी चाहो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ ही ऐड करके दिखाने वाला इस वीडियो फोटो में। ठीक है, तो क्योंकि सभी फोटो में सब कुछ अच्छा नहीं लगता तो इस फोटो के हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक स्टार वाला जो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ सिंपली, देख सकते हो मैं क्लिक करके बस ऐड कर रहा हूँ सिंपली अच्छे से। तो इतना आप ऐड करने के बाद यहाँ पे एक और जो है ब्लड टाइप का है, ठीक है, येलो कलर का, इसको हम लोग सिंपली ऐड कर लेते हैं। देख सकते हो फोटो हमारा कितना बढ़िया सा लग रहा है देखने में, जो कुछ ही मिनट में फोटो एडिटिंग हो गया कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर राइट क्लिक कर देना है, करने के बाद बिफोर आफ्टर देख सकते हो फोटो हमारा कितना बढ़िया बन के आ चुका है। और इस फोटो को सेव करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक SD कार्ड में सेव करने के ड्रॉ टूल में चले जाना, जाने के बाद राइट साइड में आपको जो फिल्टर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा इसको नीचे वाला एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ पे रबर वाला टूल पे चले जाना, जाने के बाद इसका जो ओपेसिटी है इसको 100% रखना है, इसको जो साइज है इसको 1% रखना है। रखने के बाद फोटो को जो 500 टाइम जूम कर लेना है, करने के बाद नीचे एक लाइन खींच देना, करने के बाद खींचने के बाद पहले 3 डॉट में चले जाकर फोटो को सेव कर लेना है। ठीक है, तो पिक्सआर्ट ऐप में फोटो को सेव करने के बाद आप लोगों को जो लाइटरूम ऐप में फोटो में मैं फोटो को मैंने ओपन कर लिया। तो करने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग किया है, तो शॉर्टकट में आप लोग दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या कलर सेटिंग रखा है। तो देख सकते हो मेरा फोटो कितना बढ़िया बन के आ चुका है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या कलर का सेटिंग रखा है और लाइटिंग और पूरा जो सेटिंग मैंने क्या क्या रखा है लाइटरूम में। तो देख सकते हो हर एक कलर का सेटिंग मैंने क्या क्या रखा है। इसी टाइप का सेटिंग आप लोग कॉपी करके आपको फोटो में भी अप्लाई कर सकते हो सेम टू सेम बना के। ठीक है, ऐसे आपका फोटो भी बन के आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर एक हमारा जो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपको हर दिन ऐसा ही
एडिटिंग के रिलेटेड इंटरेस्टिंग क्रिएटिव फोटो एडिटिंग वीडियो आप लोगों को हर दिन इस चैनल में मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आप लोग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।